आपका पहला सवाल है, भारत में नील विरोधी चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? आपका ऑप्शन है ए राजेंद्र प्रसाद, बी द्रौपदी मुर्मू, सी नीलम संजीव रेड्डी, डी ज्ञानी जैल सिंह। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। आपका अगला सवाल है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? आपका ऑप्शन है ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, बी कृष्णा और कावेरी, सी नर्मदा और तापी, डी महानदी और गोदावरी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। आपका अगला सवाल है, सितार और तबले का जनक किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए तानसेन को, बी मिर्जा गालिब को, सी फैज अहमद को, डी अमीर खुसरो को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर खुसरो को। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए दक्कन का पठार, बी तिब्बत का पठार, सी पूर्वी अफ्रीकी पठार, डी पश्चिमी पठार। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तिब्बत का पठार। आपका अगला सवाल है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी वित्त मंत्री, डी गृह मंत्री। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। आपका अगला सवाल है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन गैस, बी नाइट्रोजन गैस, सी हीलियम गैस, डी लिथियम गैस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस। आपका अगला सवाल है, इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? आपका ऑप्शन है ए मिहिर सेम, बी सचिन नाथ, सी राधा कृष्णन, डी सुफियान शेख। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मिहिर सेम। आपका अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? आपका ऑप्शन है ए 700 वॉट, बी 720 वॉट, सी 746 वॉट, डी 846 वॉट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 746 वॉट। आपका अगला सवाल है, जल के बूंद का आकार गोलाकार होने की क्या कारण है? आपका ऑप्शन है ए प्रसारण बल, बी पृष्ठ तनाव, सी विद्युत चुंबकीय बल, डी गुरुत्वाकर्षण बल। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पृष्ठ बल। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मानव निर्मित रेशे को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए नायलॉन, बी रेयॉन, सी एक्रिलिक, डी पॉलिस्टर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एक्रिलिक। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका अगला सवाल है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 15 मीटर, बी 17 मीटर, सी 20 मीटर, डी 30 मीटर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 17 मीटर। आपका अगला सवाल है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? आपका ऑप्शन है ए निर्वात में, बी वायु में, सी कांच में, डी जल में। सही जवाब है ऑप्शन ए निर्वात में।
आपका अगला सवाल है, कौन से रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? आपका ऑप्शन है ए लाल रंग, बी काला रंग, सी बैंगनी रंग, डी हरा रंग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बैंगनी रंग। आपका अगला सवाल है, वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए समतल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी समतल उत्तल दर्पण। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। आपका अगला सवाल है, प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए लाल रंग को, बी पीला रंग को, सी नीला रंग को, डी इनमें से सभी को। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी को। आपका अगला सवाल है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन गैस, बी हीलियम गैस, सी नाइट्रोजन गैस, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस। आपका अगला सवाल है, टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? आपका ऑप्शन है ए टीन और चांदी, बी तांबा और टीन, सी सीसा और चांदी, डी टिन और सीसा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी टीन और सीसा। आपका अगला सवाल है, एक शक के कितने इंसान पूरी दुनिया में पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए पांच लोग, बी दो लोग, सी सात लोग, डी दस लोग। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सात लोग। आपका अगला सवाल है, पहले मुर्गी आई थी या पहले अंडा आया था? आपका ऑप्शन है ए मुर्गी, बी अंडा, सी दोनों एक साथ में, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुर्गी। वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले मुर्गी आई थी उसके बाद अंडा। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 20 अप्रैल को, बी 22 अप्रैल को, सी 22 जनवरी को, डी 26 दिसंबर को। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है। और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।